तो स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज का एपिसोड थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि हमारे भारत देश में एक ट्रेंड चल रहा है कि घर में जिसके भी सोफे पड़े हैं वो दो माइक और दो कैमरा लेके गेस्ट बुलाने लग गए और उनकी बातों को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालता है और उसको पॉडकास्ट बोलने लग जाता है। बट कई ऐसे गेस्ट आ रहे हैं जो दिमाग से ऐसे पैदल हैं जो आपके बचे कुचे ब्रेन सेल भी खत्म कर देंगे। तो इसी चक्कर में मजबूरन हमें एक नई सीरीज शुरू करनी पड़ी है जिसका नाम है पॉडकास्ट, और ऐसे ही गेस्टों का हम बांडा फोड़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग हॉरर पॉडकास्ट की। मतलब ये पॉडकास्ट किसी मूवी से कम नहीं है क्योंकि बीच पॉडकास्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो उनके लिए फिर कोई आए या ना आए एक ही बराबर है उनके लिए। एंड जब हम बात कर रहे हैं तो आपके पीछे की ये लाइट ऑफ हो गई है। ये स्विच ऑफ बटन कैसे ऑफ हो गया? हाँ भाई कर ले हॉरर पॉडकास्ट आ गया इस बात। मतलब मैं पंजाबी जैसा स्विच ऑफ होया होगा। मतलब भाई को डर ऐसा लगा है कि लैंग्वेज चेंज कर करके अपनी बात समझा रहा है। क्या हमारे पास कोई स्पिरिट एनर्जी प्रेजेंट है? यस कम बैक। क्या वो अमन के पीछे है? बस तुम भाई की एक बार शक्ल देख लो ध्यान से। अपना पॉडकास्ट शुरू करने का डिसीजन भी रिग्रेट कर रहा है इस समय। Is it a positive energy? Yes. ओ भाई सांस में सांस आई। अब ये पक्का है हॉरर पॉडकास्ट भाई का ये लास्ट ही था। आपके एंसेस्टर इस साइड है। पॉडकास्ट में कुछ सच हो रहा है नहीं हो रहा वो तो मैं कह नहीं सकता, बट कमेंट बड़े बावले होते हैं। मतलब एक भाई तो कह रहा है मेरे पूर्वज भी पीछे ही बैठे हैं, मैं उनको यूट्यूब पे बैठ के रीले दिखा रहा हूँ। अब हॉरर पॉडकास्ट की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं मेरे तीन ऐसे भाई हैं जिन्होंने इस सेगमेंट में पूरी गोभी खोद दी है, और वो है अपने रियल इट वाले भाई। पता है घर के गार्डन से है ना। अब भाई लगाएगा घर के गमले की मिट्टी अपने सर पे और सीधा एलोवेरा की आत्मा भाई के अंदर। मेरे पे कोई कुछ नहीं कर पाएगा ये तो। हमें चल मान गए काटो भाई फटाफट 50 रुपए इसकी ओवर एक्टिंग है तो अभी काट लो। है क्या है भाई भूत से सवाल जवाब। वैसे इन लड़कों का कोई भरोसा नहीं है, भूत बुला के भी पॉडकास्ट कर सकते हैं। वो भाई ऑस्कर लेवल परफॉर्मेंस कर रहा है और तुम्हारी हसीली खोई जा रही है। इस घर में कुछ है पीयूष भाई, पूरी की पूरी आत्मा आ गई भाई के अंदर, दूसरे बंदे का कॉलर पकड़ी और अभी भी आप पूछ रहे हो कुछ है। सरका कोई नहीं। ओए ओए तू मेरी बात सुन। वाह भाई बात सुन बोल के सीधा कपड़े फाड़ने लग गया। और देखो चंट कितना अपने मालिकों को कुछ नहीं कह रहा, कमजोर आदमी पे हाथ उठा रहा है। अबे इसे जॉब से बाहर निकाल भाई। कौन इसको कैसे निकाल देंगे, हर हफ्ते नई नकली कहानी जो लेके आता है। मुझे तो तुम्हारा भूत बुलाने का तरीका कैजुअल लग रहा था, पर जब तुमने नाक पे नेगी के जूते मारने शुरू करे तब तो हद ही हो गई। मर गया क्या है? ओए जूते दे मेरा, शूज दे मेरे। देख लो भाई की इम्पोर्टेंस। एक भाई कह रहा मर गया क्या, दूसरा कह रहा है भाई मेरे स्नीकर वापिस करो कहीं वो ना खराब हो जाए। अब आपको नहीं पता होगा बट ये अमित भाई हमारी पॉडकास्ट इंडस्ट्री के सबसे मसालेदार गेस्ट। मतलब किसी भी टॉपिक पे आपको पॉडकास्ट करना है या आपको कहानी सुना देंगे वहीं के वहीं बना के। जैसे आप भाई को बोलो कि मेरे को ना गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मारधाड़ वाली कहानी चाहिए। जब उसको मैं हाथापाई में चीज रोक रहा था भाई, उसका पहला मुक्का आता है मेरी नाक पे, और नाक पे आते ही मेरे कीपैड फोन था उस टाइम पे मेरे पास, मैं एक ही गुस्से में बेहोश। कीपैड वाला फोन था, मैं एक ही गुस्से में बेहोश। अबे क्या स्टोरी हो रही है, क्या लेना देना। मेरा कीपैड वाला फोन था, अबे टच स्क्रीन होता तो बेहोश नहीं होता क्या? वही है, मैं कब्रिस्तान गया था और वहां पे किसी का टीवी पड़ा था पुराना। फिर उन्होंने भाई को बोला यार गैंग्स ऑफ वासेपुर ना वायलेंट ज्यादा हो रही है, थोड़ा लाल सिंह चड्ढा जैसा कुछ इंस्पिरेशनल हो जाता तो। मैं उस टाइम पे बहुत लोग जानते थे, बहुत बढ़िया जानते आज भी, लेकिन उस टाइम पे सारी चीजें थी पूरी क्लियर। तो मैं अगर जा रहा हूँ रोड से अकेला गया हूँ, अगर मैं अपने दोस्त के साथ एक दो, तो मेरे घर तक पहुँचते मेरे पीछे कम से कम 60-70 लड़के हो गए थे। कभी भी किसी से लड़ाई हो रही है ना, मैं अभी ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मेरे कहीं एक दो या हड्डी कोई कोना होता है ना वहाँ मार देना, बस हो जाए बॉडी सुन्न, उसके बाद जो तुम्हें जितना पेलना फिर पता नहीं चलती कि क्या लग रही है। दुनिया अपने पॉडकास्ट में बिल गेट्स को लेके आ रही है, बिजनेस ओनर्स को लेके आ रही है, आर्मी वालों को लेके आ रही है, रियल लिट वाले सिखा रहे हैं भाई साहब कुटाई कैसे खानी है तुमने। और ऑन कैमरा तो भाई ऐसे बोल रहा जैसे सारे कुटाई वाले बैठ के नोट्स ही बना रहे। अच्छा अमित की बॉडी ऐसे सुन करनी है। और अगर थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक हो तो अमित भाई को ये कोट और मास्क पहना के थोड़ी सी आवाज बदल के बैठा देंगे जैसे किसी को पता ही नहीं चलेगा। मैं अपनी आइडेंटिटी जो छुपा रहा हूँ उसके पहले तो रीजन ये है भाई साहब, अमित डॉन ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई तो ऐसे जैसे 11 मोहल्लों के लौंडे पीछे पीटने को दौड़ रहे हो भाई।
फट गुद्दी पे रह तेरी। अरे अमित भाई, पॉडकास्ट में आपका टैलेंट वेस्ट हो रहा है। इतनी बढ़िया बढ़िया स्क्रिप्ट है आपके पास, किसी मूवी प्रोड्यूसर के पास जाओ, वो देगा आपको दो और घूंटे। और ये सब तो कुछ भी नहीं है, असली बवाल तो पास्ट लाइफ वाले पॉडकास्ट में हो रहा है, जिनकी बातें सुन के आप अपनी प्रेजेंट लाइफ डाउट करने लग जाओगे। 5-6 लड़कियों ने धोखा दिया है पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में वो यही बनेगा। अरे भाई ये क्या बोल गया, पिछले जन्म में 2-4 गेम ठीक नहीं हुई, इसने तो स्पोर्ट ही चेंज करवा दिया। 5-6 लड़कियों से मिला धोखा, फिर भगवान ने अगले जन्म में तुम्हें ही ठोका। तुम्हें ठोका। 100% बिकॉज़ उसको वो फेमिनिन एनर्जी डाइजेस्ट ही नहीं होती। अरे भाई नाले के साथ वाले ठेले से खाई हुई 30 की चौमिन थोड़ी है जो डाइजेस्ट नहीं हो रही। आपके लॉजिक आ कहां से रहे? अगर हम सोचे आज सचिन तेंदुलकर है या लता मंगेशकर है, अमिताभ बच्चन है, ये लोग की सक्सेस इस लाइफ की नहीं है, इन लोगों की तो स्ट्रगल बहुत लाइफ से है और उसी फील्ड की बहुत थी। इस लाइफ में ये पॉलिश्ड वे में बाहर आए। वाह भाई, वो लोग बेचारे प्रैक्टिस कर थक गए और तुमने सारा क्रेडिट पास्ट लाइफ को दे दिया। सचिन भाई को ये पता चलेगा ना, उनको गुस्सा बड़ा आता है फिर। अरे भेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे कट। मैं जब शाहरुख खान को देखता था, जब मैं बाजीगर मूवी देखता था, जब मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट था, मैंने बैठे बैठे उसकी पास्ट लाइफ देखने की कोशिश की तो पता चला ही वाज मौलाना ऑफ मक्का मदीना। तो एक बात करना, अभी ये शो के बाद ना जो तू पी के आया मुझको भी पिलाना प्लीज यार। अरे भैया ये सब जानने के लिए कौन सी टाइम मशीन यूज कर रहे हो, जरा हमें भी दे दो, मैं भी जाके 100 साल पहले वो 2-2 रुपए वाले प्लॉट खरीद लेता हूँ जरा 40-50। अब देखो पॉडकास्ट में अक्सर एक बंदे का काम होता है सवाल पूछना, बट हमारे लल्लन टॉप वाले भाई साहब सवाल ऐसे पूछते कि आप सोचते सोचते पिछले जन्म में भी पहुंच जाओगे पर जवाब नहीं दे पाओगे। बम तेरा गोते खाए जी, ये बम कैसे गोते खाएगा सर? वो सब तो ठीक है, बट आपको इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है बम में? ओके ओके है, माना तू है सिक, जहां से होना चाहिए वहीं से है तू थिक। क्या कहना चाहता है कभी? कभी क्या कहना चाहते हैं? अबे कबीर के दोहे थोड़ी चल रहे हैं जो अर्थ पूछी जा रहा है। बादशाह भाई ने यार गाने तो बहुत लिखे, बट ये बंदा बम मक्खन थिक के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? असली है ये लोंडा। अगर कवि से पूछ ही रहे ना तो मेरे को उसका बताओ भाई। कहंदी पौ पॉपी शेम, कहंदी ओ, कहंदी पौ, कहंदी जाने जाना, इसमें क्या कहना चाह रहा है कवि? पौ पॉपी शेम, कहंदी ओ, जाने जाना। ये बताओ यार, अगर कवि से गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक इश्यूज हैं कवि को। ये मैंने गलत लिखा है आई थिंक सर। बंदे का टैलेंट देखो, 2-4 सवाल पूछ के बादशाह भाई को अपना पूरा करियर डाउट करवा दिया। आएगा मजा, बड़ा आएगा मजा, गले मेरे लग बेबी छाएगा नशा जी, मेरे प्यार का जॉइंट बना, मैं तेरा पॉइंट बना, मैं तेरा पॉइंट बना। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये? मतलब इतने खतरनाक सवाल कि बादशाह भाई अपना दिमाग निचोड़ते रह गए, बट जवाब निकल के राजी नहीं था। सर एक टाइम के बाद ना दुनिया का मतलब खत्म हो जाता है। दिक्कत मतलब बादशाह भाई, जब इसने थिक वाली बात करी तो इंटरव्यू का भी मतलब खत्म हो गया था। खाने में तू बटर खाए है? वाह साहब, वाह 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 वाह, बटर खाए। अब हो गया डिनर टाइम। और हमारे शहद सिंह पाजी को तो मानना पड़ेगा, जवाब ऐसे दिए कि इन भाई को भी ढेर कर दिया। 2021 में मैंने फिर पीनी शुरू कर दी थी, 1.25 साल खूब दारू पी छुप छुप के घर से, लेकिन अब छोड़ दी, पिछले साल से छोड़ दी। कोई नशा नहीं? नहीं, अब इंग्लैंड में बियर पी। चलो एक बार पी ली, क्या हो गया, इंसान गलती से ही होता है, बट वैसे तो उन्होंने सबको छोड़ ही रखा है ना। बियर पी, विस्की, वोडका नहीं। वोडका भी मैंने 1.25 साल से नहीं पी थी, ठीक है, क्या हुआ ये बड़ा मेरा। अरे हनी भाई, कभी आप कहते हो पी है, कभी कहते हो नहीं पी है, कभी छोड़ दी नहीं छोड़ दी, सीधा सीधा बताओ, लेफ्ट लुक की राइट, नहीं तो बेबी घर पे होगी पिलो फाइट। अल्कोहल भाई कहीं से भी मिल जाती है, पी लो, इसलिए मिल जाती है क्योंकि इतनी हानिकारक नहीं है, कहना कहीं तो है, लीवर सड़ेगा तो नया लग जाएगा। अरे भाई साहब, अरे हनी भाई, नया लीवर कोई हलवा तोड़ी है कि लेफ्ट लिंक कट गया फोन से सीधा हाजिर। 6 चरस पी के, 1.5 बोतल दारू पी के सुनील बोरा साहब के पेट पे काट लिया 8 बार। और वो मुझे अगले दिन दिखा रहे क्या किया तूने। देख, अरे ये क्या हो गया मेरे भाई, यो बुलडॉग सिंह, मैंने तो सुना था आप डॉगी को नशे वाला बिस्कुट डाल देते हो वो कुछ नहीं करता, यहाँ आपने नशे करके काट लिया, कोई सेंस बन नहीं रही आपकी बातों की। यो रॉटवाइलर सिंह, अरे 8 बार ही काट लिया यार, 8 बाइट मार्क्स। भाई मैं कह रहा हूँ उस बंदे की स्पीड कितनी कम है, 8 बार कटवा लिया उसने, 2 बार में समझ नहीं आई। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने पॉडकास्ट में बाहर से आत्माएं बुला रहे हैं, और एक भाई हमारे ऐसे जो गेस्टों को उंगली इतनी करते हैं कि उनकी अपनी आत्मा भी शरीर छोड़ने को हो जाती है। A horse and a dog. The first one is what you like to show yourself as to the world. Mm-hmm. Mm-hmm. The second one is how the world perceives you. And the third one is what you are actually on the inside. अरे अजय सर को कुत्ता बोल रहा है, कुछ तो शर्म कर ले। सर इसके मुंह पे आधा किलो सुबह केसरी थोक दो अभी के अभी। विमल बोलो सुबह केसरी। क्या फील होता है? उल्टी आती है। उल्टी आती है। You can eat 1 meal in the day, in the night, and that comes out also in the morning. You throw up.
पीछे से आगे से जेन्युइन सवाल Oh my gosh! What do I do? कमाल है भाई, अपने युवराज सिंह की बोलती बंद कर दी. दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये कर सकते हैं, और उनमें से सबसे ऊपर है योगराज सिंह. और इनका पॉडकास्ट इकलौता ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें सवाल भी ये खुद ही पूछ रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं. तुमने कहा था योगराज सिंह सठिया गया. नहीं, मैं प्रदीप मैगजीन की बात करता हूँ. और कमेंट्स में तुम लोगों की बेशर्मी देखो. सबसे टॉप कमेंट, सल्यूट टू प्रदीप मैगजीन. लेकिन योगराज सिंह की कहानी यूवी के बगैर भी पूरी होती है और सारे परिवार के बगैर भी पूरी होती है. मतलब सर कह रहे हैं जो यूवी की बायोपिक तो आएगी आएगी, उसने क्या ही किया, वर्ल्ड कप जीता है, मैन ऑफ द सीरीज ये वो, इनकी बायोपिक ज्यादा जरूरी है जिसमें युवराज सिंह एक छोटा सा पार्ट है. क्योंकि और यूवी भाई को तो फिर भी कुछ नहीं कहा, अर्जुन तेंदुलकर की तो लेनी देनी तो कर दी. सर अगर अर्जुन तेंदुलकर की बात करें, वो भी आपके यहाँ आया था ट्रेनिंग करने, आप कैसा उनका फ्यूचर अभी देख रहे हैं? सर 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 आपने हीरा देखा है कोले की खान, वो कोला ही है. अरे इन्होंने तो अर्जुन तेंदुलकर को तंदूर में डाल के उसका कच्चा फाड़ पराठा बना दिया. कि मैं वो चीज यार, मुझे बात तो क्यों बीच में बोलता यार, 10 बार मैंने बोला मत बोलो यार. ये तो भाई पहली बार ऐसा हुआ होगा पॉडकास्ट में, इंटरव्यू वाले कोई डांट दिया. देखो बात सुना रहा हूँ, आप बीच में टकर टकर करते रहे. अरे मत करो भाई बीच में टकर टकर, उन्होंने 2 चपेट इंटरव्यू लेने वाले की लगा देनी है, बेचारे की फटी वैसी पड़ी है. तो आई थिंक मुझे इस चीज का पता है. ओ भाई मत करो शोर, ये तो तुम्हारे पिछवाड़ों में कोयला घुसा देंगे. वो मेरी एकेडमी में माँ मेरी बोलती थी, हाँ मेरे पोते का ये वो. मैं कहा माँ चुप कर, गाँव चल. बीबी को बोला गेट आउट फ्रॉम द हाउस. इसलिए कहते हैं जिंदगी में थोड़ी बहुत झिझक रखना तो ठीक ही रहता है भैया. आज सारी दुनिया पांव के नीचे है, ये तो ऐसा है. सलाम करती है. और वो लोग जिन्होंने बहुत बुरा किया था, किसी को कैंसर है, किसी का घर टूट गया, कोई मर गया. अरे सर ये क्या कर दिया, काले जादू वाले पॉडकास्ट आजकल लगता है ज्यादा ही देख रहे हो आप. The end की स्टोरी है सर. बिल्कुल. थैंक यू सर. थैंक यू. इंटरनेशनल इंटरव्यू है सर. हाँ जी सर. छाप देना इसको. इंटरव्यूअर कह रहा है छापना छुपना छोड़ो भैया, अपना बस्ता उठा के भागो, जिंदा बच गया मैं. भाई वो पॉडकास्ट 2 का भी एपिसोड जल्दी आने वाला है, और आप चाहते हो कुछ ऐसे पॉडकास्ट जो हम अपनी वीडियो में इंक्लूड करें तो हमें DM में बता दो, कमेंट में बता दो, जैसे भी बता दो. और हाँ, जो पॉडकास्ट के ओनर है जिनका हमने कॉन्टेंट यूज करा है हमारी वीडियो में, कुछ भी ऊपर नीचे कराना चाहते हैं तो भाई बस एक DM करना, सब काम हो जाएगा. खुदा हाफिज़. सच बोलना, किसी को चंगा लगे तो भी ठीक है, नहीं चंगा लगे भाई अपना खसमा रुका. बिल्कुल.